मानव जीवन में गुरु शिष्य का नाता एक अटूट नाता है। गुरु अपने ज्ञान को शिष्य में बांटकर शिष्य को जीवन की सही राह पर चलना सिखाता है। कृष्ण अर्जुन, द्रोणाचार्य, एकलव्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राम वशिष्ठ, ऐसे कई उदाहरण हमारे संस्कृति में है जो गुरु और शिष्य का दाखिला देते हैं। लेकिन आज के कलयुग दौर में हमें ऐसी घटना सुनने को मिलती है जिससे इस पवित्र रिश्ते पर कलंक लग जाए। ऐसी ही एक घटना मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से सामने आई है। कांशीराम नगर निवासी एडवोकेट के बेटे दिव्यांश विजयपाल सिंह बुद्धि विहार स्थित आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ता है। विजयपाल सिंह ने बताया कि उनके बेटे को स्कूल के गणित शिक्षक पुष्कर चौहान ने क्लासरूम में लात घूंसों से पीटा और कॉलर पकड़कर दिव्यांश को दीवार की तरफ धक्का दिया। टीचर ने दिव्यांश के सीने पर घूंसे मारे जिससे वह बेहोश होकर क्लासरूम में ही गिर गया। प्रिंसिपल हेमंत कुमार ने मामले की शिकायत की। दिव्यांश को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि छात्र के हार्ट में सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसे ICU में भर्ती किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जब घटना की शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी उनके साथ अभद्रता की। क्या नाम है मैम आपका? ममता पाल जी। ममता जी, क्या हुआ आपके पुत्र के साथ? ये स्कूल गया था तो पुष्कर सर जो है उसे पहले धक्का दिया तो उसके गेट लग गया, सर ने फिर इसके बाद कॉलर पकड़ के दो तीन थप्पड़ लगाए तो ये बेहोश हो गया। कौन से स्कूल का मामला है ये? आर्यंस इंटरनेशनल। तो आपका बेटा कौन सी क्लास में था? वहाँ तो क्यों मारा टीचर ने, कुछ पता चला? अब ये टीचर की कोई आपसी बात थी, बच्चे हिमांशु सर जा रहे थे तो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं सर आप मत जाओ तो इस चक्कर में ये पैर फिसले गिर गया। बच्चों ने ये मुझे बताया जब ये घर आया ये गिर गया बैठ पे, तो इसके बाद तब मुझे जानकारी है बच्चों का फोन आया, तब मैं स्कूल गई तो प्रिंसिपल भी गलत अब बोलने लगा कि बच्चा मर तो नहीं गया। अब क्या कंडीशन है आपके बेटे की, कहाँ एडमिट? तो ICU में साई में एडमिट। तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी आप लोगों ने? तो किसी को पकड़ा है अभी तक? अभी तो फिलहाल में कुछ पता नहीं है मुझे। छात्र के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, आगे की जांच पुलिस कर रही है। ये कल का एक प्रकरण है, किसी बच्चे के साथ एक स्कूल में उसके शिक्षक द्वारा मारपीट करने संबंधी एक शिकायत उसके पिता की ओर से पुलिस को दी गई थी। बच्चा इसमें शायद हॉस्पिटल में था, वहाँ पुलिस ने जाकर उससे जानकारी की है, वो ठीक है, कोई गंभीर चोट उसको नहीं है और उनके द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर पुलिस जांच कर रही है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र TV24 के लिए फरमान हुसैन, मुरादाबाद। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन, गंजेपन एक समस्या, क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू, साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 एंड 9226210293। आवर ब्रांच शॉप नंबर 114 सदोदय प्लाजा नियर पोदरेश्वर राम मंदिर CA रोड नागपुर एंड हरि अर्चना कॉम्प्लेक्स ब्लॉक नंबर 49 ऊटखाना रोड मेडिकल स्क्वायर नागपुर।